बारिश के बाद अहमदाबाद के हालात किस तरीके के हैं? हालात फिर से बेहाल हो चुके हैं, हर जगह जलजमाव की स्थिति है। संवाददाता राजल बारोट की रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद में बारिश शुरू क्या हुई, लेकिन अहमदाबाद के अनेक इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पानी भर गया है। हमारे साथ में यहां एक फ्लोर फैक्ट्री के जो व्यापारी है उनके साथ में बात करेंगे। भैया, कितनी मुश्किलें हो रही है आपको? यहां पर पानी इतना भरता है कि हर साल की ये समस्या है, पानी भरता है हर साल। और इन लोगों को बोलते तो वो लोग आते ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाते। पहली बात तो वो फोन नहीं उठाते, आते भी नहीं है और देखते भी नहीं है कि पानी कितना भरा है, क्या है। हमारे दुकानों के अंदर घुस जाता है। अभी सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी आई और वो लोग आए और फिसल जाए तो जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन तो जब बोले हाथ उठा करके बैठ जाते हैं कि भाई हम क्या करें इसमें। हर साल की तरह इस बार भी जो बारिश की शुरुआत के समय में ही यहाँ पर जल भराव हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ आई हुई है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अभी हैरान परेशान हो गए हैं क्योंकि नगर निगम को वो बार बार यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जल भराव होता है, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलता और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ राजल बारोट, एबीपी न्यूज अहमदाबाद। तो राजल की रिपोर्ट से आप समझ गए अहमदाबाद का क्या हाल है। बारिश के बाद गुजरात के बड़ोदरा में भी बुरा हाल है। शहर में हर तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। संवाददाता लॉरेंस परमार की रिपोर्ट दिखाते हैं। तो तस्वीरें, ये तापी में की तस्वीरें हैं जहाँ जो बांध है वहाँ पर लबालब पानी भर जाने के बाद, बारिश के बाद इस तरीके के हालात हो गए थे कि 22 में से 13 गेट खोलने पड़े, जिसके बाद 1,89,000 क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ना पड़ा। वडोदरा की बात हम कर लेते हैं। स्कूल में यहाँ पानी भरा हुआ है। बच्चों के माता पिता का कहना है कि प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा। बेजवाबदार वडोदरा कॉरपोरेशन तंत्र की पोल तब खुली जब रात में 3 इंच बारिश बड़ौदा में गिरा और कई इलाकों में पानी भरा है। मगर सबसे बड़ी बात, अभी 12वीं कक्षा की जो एग्जाम चल रही है और एग्जाम देने आए जो स्टूडेंट्स है घुटनों तक पानी के अंदर स्कूल के अंदर पहुंचे और अभी एग्जाम दे रहे। बापोद इलाके की यह सरदार वल्लभ भाई विद्यालय है, क्योंकि ये बापोद इलाका है और उस इलाके के अंदर वाटर लॉगिन की जो समस्याएं हुई है, जो बारिश के अंदर जो बारिश की ड्रेनेज बनाई गई है उसमें से पानी आगे जा नहीं रहा है, उसी के चलते कई इलाकों में ये पानी भरा है। बापोद की बात करें तो ये स्कूल का इलाका आप देख सकते हैं, कैमरामैन परेश भाई दिखाएंगे, पूरा यहाँ पर तालाब जैसा नजर आ रहा है। और वो कह सकते हैं कि कॉर्पोरेशन तंत्र जो बोल रही है कि प्रीमॉनसून की अंदर हमने 4 करोड़ से ज़्यादा जो खर्च किए हैं, मगर खर्च कहाँ किया वो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दिख रहा है। अगर हो सके कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर जो 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे रहे, जो एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं चिंतित हैं, क्योंकि उनको लेके आए थे, घुटनों तक पानी था, अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि रात में 3 इंच बारिश हुई और 3 इंच बारिश के अंदर ये तालाब जैसी स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रास्ता, यहाँ ये जो गेट दिख रहा है वो स्कूल के अंदर आने का गेट है, वहाँ तक पानी है। तो आज रात को अगर बारिश हुई तो कल सुबह में क्या होगा? क्या ऐसे माहौल में हमारे बच्चे क्या ठीक से एग्जाम दे पाएंगे क्या? हमारा यही कहना है कि कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इससे पहले होना चाहिए। तो स्कूल में भी किस मजबूरी में बच्चे पढ़ रहे हैं आप समझ सकते हैं। अब गुजरात के अरवल्ली की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर सैलाब दिखने मिल रहा है, पानी में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। हालात यह है कि पेट्रोल पंप, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ भी घुटनों तक पानी जमा हो गया। तो ये अरवल्ली इलाके की तस्वीरें हैं और यहाँ पर सड़क पानी पानी हो चुकी है, हर तरफ आपको पानी नजर आ रहा है, घुटनों तक भरा पानी। और ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी लबालब पानी भरा हुआ। देखिए, सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया है और दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के हालात भी आप देखिए, यहाँ कोई जा ही नहीं सकता, घुटनों तक पानी यहाँ भी भरा हुआ।
तो पानी से हुई तबाही की एक और तस्वीर छत्तीसगढ़ से भी सामने आई है। धमतरी के करीब नेशनल हाईवे नदी में तब्दील हो गया है। आसपास के मोहल्लों में नाव चल रही है। दो दिन पहले लैंडस्लाइड होने के बाद सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए थे। देखिए धमतरी जिले से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है और बारिश का कहर ऐसा कि कहीं नाव से लोग अपने घर में आने जाने को मजबूर हैं तो कहीं आप देखिए नेशनल हाईवे ही जाम हो गया है। दरअसल ये रायपुर से या यूं कहें छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और तेलंगाना को जोड़ने वाली सड़क है, ये नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे में इस पहाड़ को देखिए आप, ये लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत बड़ा पहाड़ है ये और पूरा बड़े बड़े जो पत्थर है वो गिर गए हैं और गिरकर सड़क पर आ गए हैं। और ये जाली दिखाइए जरा, इस जाली को देखिए। इस जाली को इसलिए बांधा गया था कि ताकि जब कोई लैंडस्लाइड हो तो उस लैंडस्लाइड के दौरान कोई हादसा ना हो, और हादसा ना हो इसके लिए उस पत्थर को रोकने के लिए जाली को लगाया गया था। मैं जाली की तरफ जाकर आपको दिखाता हूं, और ये बहुत मोटी जाली है, देखिए ये मोटी जाली है। इस पूरे जाली से इस पूरे पहाड़ और चट्टान को कवर किया गया था, लेकिन हुआ ये कि ये धमतरी से आगे हूँ मैं, धमतरी से कांकेर के रास्ते में हूँ। देखिए बारिश रुकी है, अभी बारिश रुकी है लेकिन अभी भी पानी बह रहा है। और इस बात को हालांकि NHAI को इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को, क्योंकि ये सड़क जो है बहुत व्यस्त सड़क है, लेकिन ये पूरी सड़क बंद है अभी। और इसका वैकल्पिक यानी जो दूसरा रास्ता है, सर्विस रोड या यूं कहें जो पुरानी सड़क थी, उसको खोल दिया गया है, वहां से काम चलाया जा रहा है। और देखिए चट्टानों को देखिए आप कि कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और ये अच्छी बात है कि यहाँ कोई था नहीं उस वक्त, या कोई हादसा नहीं हुआ जो मेरी जानकारी है। अब ये बड़े बड़े पत्थर हैं, अब इन पत्थरों को देखिए और इस पहाड़ की ऊंचाई देखिए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बारिश लगातार हो रही है। बस्तर में सबसे ज़्यादा बारिश से हालात ख़राब है। और ये जो रायपुर या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है, फिलहाल उस नेशनल हाईवे में इस लैंडस्लाइड की वजह से पत्थर गिरे हैं और इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ज्ञानेंद्र तिवारी, ABP न्यूज़, धमतरी। छत्तीसगढ़ के हालात भी कुछ अलग नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में उफनती नदी पार करने के दौरान एक शख्स का पैर फिसल गया और वो पानी में बह गया। ये घटना खरगोन के झिरनिया इलाके में हुई है। वीडियो आपके सामने है। पानी में बहने के दौरान गांव वालों ने उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उसका शव करीब 1.5 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहाँ एक शख्स नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। नदी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है। इस उफनती नदी को पार करने के दौरान शख्स का पैर फिसल गया और वो पानी में बह गया। पानी में जिस दौरान वो बह रहा था, तेज बहाव में वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की। गांव वालों ने बचाने की जो कोशिश की वो नाकाम साबित हुई, कोई फायदा नहीं हुआ और बाद में उसका शव करीब 1.5 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। ABP न्यूज आपसे अपील करता है कि बाढ़ और बारिश के इस मौसम में आप ऐसा कोई भी रिस्क बिल्कुल ना लें। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।